अधिकांश मानव लालची बनकर धन के संचयन में 24 घंटे अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। परिवार चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, परंतु धन ही सब कुछ मानना गलत है। अय्याशी जीवन बिताने के लिए उधार लेने भी उन्हें संकोच का अनुभव नहीं होता। सामाजिक प्राणी कहलाने वाले मानव सामाजिक जो विशेषण है उसे भूल ही गया है, अर्थात वह प्राणी मात्र रह गया है। ऐसा कहा गया है कि 84 लाख योनियों के बाद अति दुर्लभ से मानुष जन्म प्राप्त होता है। मानुष जन्म सुख भोग और आमोद प्रमोद के लिए मात्र नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए भी है। हमारी एक सेवा मानव के साथ साथ भगवान के द्वारा सृष्टित सभी जीवराशियों के लिए भी होनी चाहिए, तभी हमारा यह जन्म सार्थक होगा। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिष्ठापक श्री शंकराचार्य का मंत्र उपदेश है कि परोपकारार्थम इदं शरीरम, अर्थात यह शरीर अपने लिए मात्र नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी है। पेड़ अपने फल को स्वयं नहीं खाता है और तालाब अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है। जब प्रकृति इतना उपकार करता है हमें, तब हम मानव क्यों नहीं कर सकते? देने में ही सुख है। इस यथार्थ के सुख अनुभव की प्राप्ति के लिए आइए हम सब मिलकर यथायोग्य भौतिक और शारीरिक रूप से दूसरों की मदद करें और अपने जन्म को सार्थक बनाएं। धन्यवाद।